बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ कुकिंग में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ कुकिंग। व्यूअर्स, आज जो डिश मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की है, अंडा मसाला। और ये बहुत सारे अंडे आपने खाए होंगे, बहुत सारे ब्रेकफास्ट में अंडे बना के खाए होंगे, ऑमलेट मुख्तलिफ स्टाइल में बना के। लेकिन जो मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े का है और बहुत ही आसान है, 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आइए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं, चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है अंडा मसाला के लिए, उसमें हमें चाहिए सबसे पहले ये अंडे हैं। ये 5 अदद अंडे हैं, ये कच्चे अंडे हैं, बॉयल किए हुए नहीं हैं। ये कच्चे अंडे जो मैं तोड़ के बाद में डालूँगी। साथ में 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 अदद टमाटर हैं जो मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं, 1 साबुत हरी मिर्च और 1 मैंने बारीक काट ली है गार्निश के लिए, और ये हरा धनिया है गार्निश के लिए, और ये दही है जो मैं ऐड करूँगी मसाले में, और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो मैंने काट लिया है, और ये मसाले हैं हमारे। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पिसा धनिया है, 1 चम्मच पिसा गरम मसाला है मोटा मोटा कुटा हुआ, 1 चम्मच कसूरी मेथी है और 1/2 चम्मच हल्दी है, और 1 कप घी है जो मैंने पैन में डाल के चूल्हे पर रख दिया। अब चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। जी बस, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है और हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमारे ब्राउन होंगे फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हमारे प्याज जो है गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन और होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और दही के साथ सारे मसाले। जी बस, हमारे प्याज जो हो चुके थे, उससे पहले ये जलते मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि हमारे प्याज जले ना। हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद उसको धनिया, साथ में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और ये थोड़े से भून जाए, फिर उसके बाद टमाटर थोड़े से ऐड कर दें, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर दही और मसाले ऐड करती हूँ। बाद में हम इसमें डालेंगे दही, गर्म मसाला रेडी हो चुके हैं, और ये नमक मिर्च मसाले चाहिए ये डाल देंगे। हम मैं इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे थोड़ा सा कलर आ रहा है इसका, ये मसाले सारे अच्छी तरह से सॉस हो गए हैं, फिर हम इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे। बस इसमें मैं साबुत हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया अब डाल दूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूँगी, और बाकी गार्निश के टाइम। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और घी भी निकलना शुरू हो गया है। ऐसे थोड़ा सा भून के फिर इसमें अंडे ऐड करेंगे। अंडे मैंने तोड़ के रख दिए हैं, 1-1 अंडा तोड़ के हमने डालना है इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अंडे तोड़ के रखे हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारे अंडे तोड़ के रख लिए हैं और मैं 1-1 करके अब इसमें डाल दूँगी। जी व्यूअर्स, हमारा मसाला थोड़ा सा और भून गया, देख सकते हैं घी छोड़ चुका पैन, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, और बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, और बड़ी तेरी खुशी आ रही मेरे किचन में। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे। जी व्यूअर्स, हमारा जो अंडा मसाला है उसका मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। ये अंडे हैं 1 बाई 1 हमने ऐसे डालना है इसमें। आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रही हूँ। व्यूअर्स, मैं सारे अंडे इसी तरह डाल दूँगी। मेरा हाथ ज़रा उल्टा हो रहा है इसलिए मैं पहले अंडे डालूँ फिर आप। जी व्यूअर्स, देखें मैंने ये डाल दिए अंडे 5 के 5। अब ये ऊपर थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल दूँगी और इसको हम 5 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हमारे जो
अंडे हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो अंडा मसाला तो रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये आप गौर से देखें कि हमारे जो एग हैं वो बिल्कुल इसके अंदर पक चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था 5 से 6 मिनट और वो रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी 10 मिनट में तैयार हो जाती है और बड़े ही मज़े की होती है। नाश्ते में बहुत मज़ा आता है इसको पराठे के साथ खाने के। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और हम अपना डिश आउट दिखाती हूँ मैं आपको गार्निश करके। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया और अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरी मिर्च से और हरे धनिए से। आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कुकिंग में दुआ को याद रखिएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी, अच्छा खाइए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए। दुआ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।